ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश खाते बेहद ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहां भोपाल में आगमन भा तो वह राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रदेश के पहल और देश के 11वीं वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाए के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रवाना किएगा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभीजन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाए के वंदे भारत ट्रेन का रवाना किएगा। यह ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच चली। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग के अलावा दूसरे मंत्री गण मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा राजधानी भोपाल में आज 7 घंटे से अधिक के समय व्यतीत किएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में करीब 20 से 25 मिनट तक रुक के स्कूली बच्चन से संवाद किएगा। स्कूली बच्चन के द्वारा संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बच्चन का कई अकमेर के उपहार देंगे। एक बच्चे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर बनाए के भेंट किए गए। जबकि बता दें कि स्कूली बच्चन में 11वीं और 12वीं कक्षा के करीब 120 छात्र मौजूद रहे। रेल मंत्रालय के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलाया जा रहा है। ये पहले बता दें कि यह ट्रेन इंदौर से दिल्ली के बीच चलाई जाने वाली रही है, पर अब यह दिल्ली से भोपाल के बीच चली। वंदे भारत शनिवार का छोड़ के बाकी हफ्ता के 6 दिन रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चली। शनिवार का वंदे भारत के रैक में मेंटेनेंस के काम किए गई। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय जबलपुर और इंदौर के बीच खिलाफ वंदे भारत ट्रेन शुरू कर सकत है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि रेलवे के इतिहास में ऐसा बहुत कम भा हुई कि एक स्टेशन में कोनो प्रधानमंत्री दो बार पहुंचा हुए। आधुनिक भारत में नई व्यवस्था बनत देखी जा रही है, परंपरा नई बन रही है और आज के कार्यक्रम एक उत्तम उदाहरण आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा गया कि यात्री के रूप में स्कूल जाए वाले बच्चन के साथ उनके द्वारा बातचीत की गई है और उनके भीतर ट्रेन का लेके काफी उमंग और उत्साह देखने का मिला। उनके द्वारा कहा गया कि वंदे भारत ट्रेन उमंग के प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि उनका बतावा गया कि 1 अप्रैल का कार्यक्रम है, जैसा सुन के उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग यह कही कि 1 अप्रैल का अप्रैल फूल बनाए रहे हैं। दूसरे कई अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि जब वो तुष्टिकरण के राजनीति में जुटे रहे तो जनता के तुष्टिकरण में जुटे रहे। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दें इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।